हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल काश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो बोट के ईयरफोन्स हैं ये 100% ओरिजिनल ईयरफोन्स हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, कैसी क्वालिटी है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी साउंड क्वालिटी है, और ये ईयरफोन्स मेरे को बहुत ही कम दाम में मिले हैं। ये सारी डिटेल्स मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, प्लीज़ बने रहे वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आप आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा और हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे गिव अवेज चलते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो का करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बॉक्स से मैंने इसको पहले ही बाहर निकाल लिया था, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। और इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बोट की ब्रांडिंग हमें देखने को मिलती है, और नीचे की तरफ देखते हैं तो द अल्टीमेट जॉय ऑफ म्यूज़िक यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। सीधा इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से हम ईयरफोन्स को निकाल देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके साथ एक बैंड भी मिलता है, ये ईयरफोन्स के अंदर ही लगा हुआ है। इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, और काफ़ी प्रीमियम टाइप में इन्होंने बनाया है इन ईयरफोन्स को। और यहाँ पे हम देखते हैं तो एक 3.5 mm का हमें जैक देखने के लिए मिल जाता है, और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बीच में हम देखते हैं तो बीच में एक कंट्रोलर हमें देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक माइक्रोफोन इन्होंने प्रोवाइड किया है, और साथ में एक कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल कट करने के लिए एक बटन प्रोवाइड किया है। साउंड से पहले हम क्वालिटी के ऊपर बात करना चाहेंगे। क्वालिटी मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी रिट्रो स्टाइल में इन्होंने इसको बनाया है, जैसे सोनी वगैरह बनाती थी, सोनी पैनासोनिक पहले रिट्रो फोन्स के साथ, जो फीचर फोन जो पहले आते थे उनके साथ जो ईयरफोन्स आते थे वो कुछ इस तरीके के हमें दिखाई देते थे। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो साउंड फ्रेंड्स इसका लाइट साउंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई बेस आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा बेस आपको मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि बेस बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है साउंड की, मतलब अगर आप एडिटर हैं या फिर आप वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं या फिर साउंड एडिटिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये एक लिमिट में हमें बेस और ट्रेबल प्रोवाइड करता है। ट्रेबल काफ़ी अच्छा है, बेस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा बेस है, एक्स्ट्रा बेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, और इजीली कान के अंदर फिट हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छे प्रीमियम लगते हैं ये जब इनको आप लगाते हो कान के अंदर। स्पीकर के अगर बैक पैनल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें एक लोगो देखने को मिलता है, ये शायद बोट का है। बैंड को अगर हम देखते हैं तो बैंड के ऊपर भी एक बोट की ब्रांडिंग हमें देखने को मिलती है, 3 holes यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर इन्होंने दिया है कि हम ईयरफोन्स है जो टैंगल होने से बचा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा रिव्यू आज? कुत्ते लड़ रहे हैं, दिस इज़ द वीडियो part 2। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये छोटा सा रिव्यू आज का, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मेन बात आती है इसकी प्राइस की, प्राइस मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये 70 rupees की ईयरफोन्स हैं। 70 rupees में देखो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार क्वालिटी है, मतलब एक बजट प्राइस में 70 rupees के हिसाब से, और ये है कि 100% ये ओरिजिनल ईयरफोन्स हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।